वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तनुजा राणा। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था LIC और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है UTI। वैसे तो मैं GIC आज डिस्कस करना चाहती थी, पर मैंने पहले ये सोचा कि पहले जो है हमारा UTI डिस्कस कर लेते हैं, ये शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो हमारा UTI है क्या? UTI जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये है एक स्टेटरी पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि सेटअप हुआ था 1 फरवरी 1964 को। ये जो फरवरी में जो है इंट्रोड्यूस किया था 1963 एक्ट के अंडर, और इसने जो अपना वर्क है वो जुलाई से स्टार्ट किया था। 5 करोड़ की जो कैपिटल के साथ इसने अपना काम जो है स्टार्ट किया था, जिसमें RBI, LIC और SBI द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनके सहयोग से जो है इसने अपना काम शुरू किया। इसका जो बेसिकली प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो हमारे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनको एनकरेज किया जाए कि वे अपनी जो सेविंग्स हैं उनको इन्वेस्ट करें, क्योंकि हर कोई जो है कैपेबल नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने को। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएंगे, जो इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल सेवर्स टू इन्वेस्ट इन एरियाज वेयर देयर रिस्क डाइवर्सिफाइड। जो हमारे स्मॉल सेवर्स हैं, जो मतलब कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनके एरिया को, उनकी जो रिस्क है उसको बांटना, डाइवर्सिफाइड करना, यानी एकदम से जो है किसी एक पर जो है बर्डन नहीं पड़ेगा रिस्क का, वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। सेकेंड, टू एनकरेज लो इनकम ग्रुप टू इन्वेस्ट। जो हमारे लो इनकम के जो ग्रुप्स हैं उनको इन्वेस्ट के लिए एनकरेज करना कि आप भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो सेफली। ये नहीं है कि इन्वेस्ट करने के लिए हायर जो मनी है उसी की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे छोटे सेविंग्स की भी हम इन्वेस्ट करके उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। थर्ड है, ये वर्क करता है इसमें जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, चेयरमैन है और 4 मेंबर्स है। इनमें जो है एक मेंबर जो नॉमिनेट होता है वो RBI के थ्रू होता है, एक जो है वो LIC के थ्रू होता है, और जो एक है वो SBI के थ्रू है, नॉमिनेटेड करके वहाँ पर वर्क को करता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आइए आगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, UTI के ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है मोबिलाइज द सेविंग ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टर। जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनकी सेविंग्स को मोबिलाइज करना। और जो दूसरा है वो है चैनलाइज दीज स्मॉल सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो चैनल का जो मीनिंग है वह यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड करना कि उनकी सेविंग को प्रोडक्टिव हो सके, उनकी सेविंग जो है वो प्रोडक्टिव हो सके और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। और डिस्ट्रीब्यूट द लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स अमोंग स्मॉल इनकम ग्रुप्स। जो हमारे स्मॉल इनकम के जो ग्रुप्स हैं उनको लार्ज स्केल पर, जो इकोनॉमिक के लार्ज स्केल है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एनकरेज सेविंग्स ऑफ लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल्स। जो हमारे मिडिल क्लास हैं, लोअर्स हैं इन्वेस्टर, उनको जो है एनकरेज करना इन्वेस्टमेंट के लिए, उनको ऐसी ऐसी स्कीम्स से प्रोवाइड कराना और उनको ऐसे ऐसे चैनल प्रोवाइड कराना जिससे कि जो हमारे जो स्मॉल सेक्टर के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग को कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। और जो नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ यूनिट्स। जो यूनिट्स की लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड्स करना, इजिली जो हमें कैश को प्राप्त कर सके और अपनी इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा सके। एक्सेप्ट डिस्काउंट परचेज और सेल बिलो ऑफ एक्सचेंज। जो बिलो ऑफ एक्सचेंज है उसका सेलिंग और परचेजिंग एक्सेप्ट करना, डिस्काउंट को एक्सेप्ट करना। और जो हमारा नेक्स्ट है टू ग्रांट लोन एंड एडवांस टू इन्वेस्टर्स। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको लोन ग्रांट करना और एडवांस ग्रांट करना। टू प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडवाइजरी सर्विस। एडवाइजरी सर्विस का जो यहाँ पर मीनिंग है, जैसे कि ये इस सेक्टर में भी वर्क करता है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी एडवाइस दी जा सके, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा जो बेस्ट है, उसका क्या रिटर्न होगा,
क्या उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में बताना, जो मर्चेंट बैंकिंग है उसको प्रोवाइड करना। मर्चेंट बैंकिंग का यहाँ पर यही मतलब है कि एडवाइजरी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। और एक और जो इसका वर्क है वो ये है कि जो देश से बाहर के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पोर्टफोलियो की सर्विस प्रोवाइड करना। पोर्टफोलियो का जो मीनिंग है, पोर्टफोलियो में जैसे बहुत सारे जो हैं ऑप्शंस में से अपने लिए एक को चूज़ करना और वो बेस्ट भी हो हमारे लिए, उस सब की जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसमें जो है यूटीआई वर्क करता है। अब यूटीआई के एडवांटेजेस और इसकी स्कीम्स को देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा एडवांटेज है वो है द इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड डिवाइड्स द रिस्क ओवर ए वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है सिक्योरिटीज़ को की, उसको सेफ और जो हमारा रिस्क है उसको डिवाइड करता है, बांटता है, जो कि एक इन्वेस्टर पर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, वो डिवाइड हो जाता है। द इन्वेस्टर्स विल बी गेटिंग अ रेगुलर एंड गुड इनकम। और जो ये 90% डिस्ट्रीब्यूट है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मीनिंग ये है कि एक रेगुलर इनकम जो है इन्वेस्टर को प्राप्त होती है, रिसीव होती है। और जो हमारा यूटीआई है इसमें जो है 90% जो है इनकम वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और एक रेगुलर इनकम मिलती है। डिविडेंड्स अप टू ₹100 रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर वन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। यहाँ पर जो उसका मीनिंग है, अगर ₹1000 तक जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो इनकम टैक्स के हिसाब से एग्जेम्प्ट है, वहाँ पर कोई कर योग्य राशि नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को रिसीव हो रहा है। हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो बहुत हाई है, जो हमारा कैश है या फिर जब भी हमको कैश की आवश्यकता होती है लिक्विडिटी बहुत ही हाई है, वो रिसीव ईजिली हो जाता है इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट, यू हैव एक्सपर्ट्स हु आर डूइंग द हार्ड वर्क। यहाँ पर जो इसका मीनिंग है वो ये है कि हमारे लिए जो है वहाँ पर एक्सपर्ट बैठ के वर्क कर रहे हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है, कहाँ पर रिस्क हाई है लो है, एक्सपर्ट जो है हमको सलाह देते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू ईजिली डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टर्स है ये यूटीआई जो हेल्प करता है इन्वेस्टर की कि वो इजीली जो है इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सके, अपनी इन्वेस्टमेंट को बांट सके। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अब जो है इसकी थोड़ी स्कीम्स जो हैं उनके बारे में बताते हैं। यूटीआई की कुछ स्कीम्स हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है जैसे कि ये यूनिट स्कीम 1964, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान 1971, चिल्ड्रन गिफ्ट ग्रोथ फंड यूनिट स्कीम 1986, राज्य लक्ष्मी यूनिट स्कीम 1992, सीनियर सिटीजन्स यूनिट प्लान्स 1993। तो ये हैं यूटीआई की स्कीम्स। और अब हमारा जो है यूटीआई टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।